एवरीवन, प्लांट स्पेसिफिका के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे द्वारा ग्राफ्ट की गई वैरायटीज के सेकंड ग्रेड प्लांट्स के बारे में बताएंगे। अभी जो हमारे पास इस वक्त प्लांट्स अवेलेबल है वो ये आप देख रहे हैं, ये मेमामेस्टर 284 के प्लांट्स हैं और ये सेकंड ग्रेड प्लांट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, प्लांट की हाइट एवरेज 4 से 5 फीट की हाइट है और जो थिकनेस है प्लांट की वो भी बिल्कुल अच्छी है। ग्राफ्ट यूनियन हील है और आप रूट्स देख सकते हो, रूट जोन प्लांट का कितने बड़े बड़े रूट्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये 50 प्लांट्स का बंडल है और हमारे इस पेड़ में 50-50 के प्लांट्स रहेंगे। तो ये जो है ये मेमामेस्टर 284 का प्लांट है। ये वैरायटी जो है 6500 से 7500 के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है रेड डिलीशियस वैरायटीज़ में। और इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत है इसका जो विगर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा विगर है। ये सेमिस्पर वैरायटी है और इसका सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसका जो फ्रूट साइज़ है वो बहुत अच्छा आता है। मिड सीजनल वैरायटी है तो 6500 से 7500 के एलिवेशन पे जो हमारे हिमाचल के जो ऑर्चर्ड्स है यहाँ पे ये जो है अगस्त के पहले वीक से लेकर मिड अगस्त तक ये वैरायटी तैयार होगी। इसके बाद हम आपको अगली वैरायटी के बारे में दिखाने जा रहे हैं। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है काला फैन प्लस। काला फैन प्लस का ये सेकंड ग्रेड प्लांट है। आप ये भी 50 का बंडल है, आप देख सकते हैं इसमें भी जो रूट्स है वो काफ़ी हेल्दी रूट्स है। ये आप देख सकते हैं ये 50 पौधों का बंडल है और एवरेज हाइट जो प्लांट की है वो लगभग 4 से 6 फीट के बीच में है। एवरेज 4 से 5 फीट का प्लांट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है सीधा एकदम। अगर हम इसके फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो ये इसका फर्स्ट ग्रेड प्लांट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के जो प्लांट्स हैं लगभग 7 से 8 फीट की हाइट है इन प्लांट्स की। हल्के फुल्के फैदर्स भी है और अगर कंपेयर करें इसके रूट्स तो रूट्स काफ़ी हेल्दी है। ये आप देख सकते हैं ये भी 50 का बंडल है, काफ़ी लंबे और थिक रूट्स है। और ये जो वैरायटी है काला फैन प्लस, फैनों का स्ट्रेन है। ये जो वैरायटी है ये 6500 से लेकर 8000 के एलिवेशन के लिए बहुत सूटेबल गाला है। और इस गाला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफ़ी हाई कलर स्ट्रेन है और दूसरा इसमें जो फ्रूट साइज़ है कंपेरेटिवली मैमा गाला, फेंजेम्बन, डार्क बैरन और स्निकोरेड के कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा फ्रूट साइज इसमें आता है। टीरेक्स के मुकाबले काफ़ी बेटर साइज़ आता है, इसमें भी टीरेक्स की तरह ही साइज़ है इसका। टीरेक्स में जहाँ ग्रोथ की इशू रहता है इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती है। तो इसके बाद हम जो है आपको एक और वैरायटी के बारे में दिखाएंगे, अगली वैरायटी का वैरायटी के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वक्त आप जो वैरायटी देख रहे हैं ये काला टीरेक्स है। इसके जो प्लांट्स हैं वो ट्रेंचेस में दबा दिए हैं, आप देख सकते हैं कितनी गहरी ट्रेंचेस है। और ये प्लांट्स जो हैं अभी देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा बंडल दिख रहा है, ये 50 का बंडल है प्लांट्स का। तो ये जो वैरायटी है ये वैरायटी लगभग 6000 से लेकर 7500 की एलिवेशन के एक सूटेबल ऑप्शन है। इस वैरायटी का ये फर्स्ट ग्रेड का प्लांट है जो आप देख रहे हो। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है जिसमें कंपैरेटिवली अदर गाला स्ट्रेन्स ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, थोड़ी थिक सी ग्रोथ आती है इसकी, जिसका प्लांट बिल्कुल अलग सा देखने में है। तो ये जो वैरायटी है इसकी खासियत ये है कि इसका फ्रूट साइज़ जो है काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो है विगर जो है प्लांट का वो थोड़ा कम रहता है। अगर हम आपको सेकेंड ग्रेड प्लांट्स इसके दिखाएं, ये देखिए ये सेकेंड ग्रेड प्लांट्स है एज़ कम्पेयर टू स्निकोरेड एंड फेंजम गाला, फैन प्लस गाला। इसका प्लांट जो है वो थोड़ा छोटा है, लगभग 4 से 5 फीट इन प्लांट्स की एवरेज हाइट है। तो ये प्लांट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ये 100 रुपये का प्लांट है और जो ये बंडल है एक बंडल, इस एक बंडल की कीमत जो है 5000 रुपये है। और इस बंडल में 50 पौधे का ये बंडल है। इसके बाद हम आपको दूसरी वैरायटीज़ दिखाते हैं जिसमें वन और जो हमारा फेंजम गाला है उसके प्लांट्स हम आपको इसमें दिखाते हैं। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे पास जैड वन के प्लांट्स हैं। जैड वन का ये सेकंड ग्रेड है और इसके साथ में थर्ड ग्रेड है। ये जो प्लांट है ये लगभग 3 से 3.5-4 फीट की एवरेज हाइट का प्लांट है। इसका रेट हमने 60 रुपीज़ रखा है और ये हमारा जो है 100 रुपीज़ का ग्रेड है। ये भी उसी कैटेगरी का प्लांट है जैसा अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 5 फीट एवरेज हाइट है इन प्लांट्स की, डिलीशियस की ये भी वही है, 50 के बंडल्स हैं। उसके साथ में आप देख रहे हो कुछ बंडल छोटे हैं, ये छोटे 60 रुपीज़ पर प्लांट इसका रेट रखा है हमने।
ये हमारा थर्ड ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड का जो प्लांटिंग मटेरियल है वो इस वक्त दूसरी रो में लगा हुआ है, तो उसके हम आपको अगली वीडियो में शॉट्स दिखाएंगे। फिलहाल हमारे पास ये जो प्लांट्स है ये सेकेंड ग्रेड का प्लांट है, और इसके अलावा हम आपको दूसरे प्लांट्स के बारे में भी बताते हैं, गाला फेंजम के बारे में। हम अभी जहाँ हम खड़े हैं ये गाला फेंजम का यहाँ पे हमने दबाए हुए प्लांट्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये 25 के बंडल्स है, ये फैदर प्लांट है हमारे, इसमें 25 का बंडल है ये आप देख सकते हैं। ये जो मेरे साथ में खड़ा दूसरा बंडल है ये 50 का बंडल है, और आप देख सकते हो लगभग 2-2.5 फीट गहरा दबाने के बावजूद प्लांट्स की हाइट देखिए आप कितने ज़्यादा है। और इसके साथ में जो हमने ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बंडल्स है, अभी मेरी हाइट 6 फीट है, ये बंडल्स भी दबाने के बाद लगभग 6-6 फीट के एवरेज बंडल्स अभी भी आपको दिख रहे हैं। तो ये बंडल्स जो है ये सेकेंड ग्रेड प्लांट्स के है, ये सेकेंड ग्रेड जो है फेंजम का सेकेंड ग्रेड है। इसका रेट भी हमने 100 रुपीज़ रखा है। प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, अभी हमने दबा दिए है तो ये इतने प्रॉपरली विजिबल नहीं है। कई प्लांट काफ़ी हेल्दी है आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें थिकनेस कम है तो इसलिए हमने इनको इसमें क्योंकि हाइट कम है इसलिए हमने इनको जो है सेकेंड ग्रेड में ऐड किया हुआ है। बाकी अगर आप देखें फर्स्ट ग्रेड के प्लांट्स तो मेरे पीछे ये बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रेड के विप प्लांट्स है, इसमें आपको फेदर्स दिख रहे हैं, ये फेदर्स क्योंकि काफ़ी ऊपर निकले हैं इसलिए हम इसको विप प्लांट्स की कैटेगरी में ऐड किया हुआ है। लेकिन जो ये हमारे पास फेदर्ड प्लांट्स है इनके जो है 25 का बंडल बना है, और आप देख सकते हो काफ़ी लंबे और काफ़ी अच्छी हाइट पे जो है इसमें फेदर्स निकले। ये आप देखिए ग्राफ्ट यूनियन इस वक्त जो है बिल्कुल मेरे जितना सॉइल से ऊपर 6 इंच रहना चाहिए उतने लेवल पे है, और आप देख सकते हैं मेरी कमर से नीचे ही मैक्सिमम इसमें जो है फेदर्स निकले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है फेंजम गाला का फेदर प्लांट है, इसमें मैक्सिमम जो हमारा स्टॉक है वो बुक्ड है। हमारे पास इस वक्त विप प्लांट्स अवेलेबल है, और सेकेंड ग्रेड हमारे पास अवेलेबल है, और थर्ड ग्रेड भी अवेलेबल है। हमारे पास जो गाला टीरेक्स और फेंजम गाला है वो 200 पर प्लांट उसका विप प्लांट है, और जो फैन प्लस और श्निकोरेड है उसका जो है 180 रुपये का पौधा है। Z1 180 रुपये का पौधा है, मैमा मैस्टर 180 रुपये का पौधा है, हैप का हमारे पास 200 रुपये का पौधा है, और जो इसके अलावा किंग रॉट है, किंग रॉट 160 रुपये का हम पर प्लांट सेल कर रहे हैं। इसके बाद जो इनके सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड्स के रेट्स सबके इक्वल है। सेकंड ग्रेड प्लांट जो भी है हमारा जिसकी एवरेज हाइट 4-5 फीट की रहेगी वो प्लांट हमारा जो है 100 रुपये में हम सेल कर रहे हैं। और एक और थर्ड ग्रेड हमने रिलीज़ किया है जो छोटा उससे भी छोटा है, और जिसको आप नर्सरी में आप अपने पास लगा सकते हो, उसको 60 रुपये में हम सेल कर रहे हैं। उस प्लांट की जो हाइट है एवरेज 2-3 फीट के बीच में रहेगी। तो जिस भी किसान भाई को इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारे पास सारे ग्रेड्स अभी अवेलेबल है। और बाकी आप देख सकते हो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमारा किस तरह से हमने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, किसी तरह का कोई चांस नहीं है कि किसी प्लांट में पाला या फिर हवा उनकी रूट को डैमेज करे। प्रॉपरली इनको दबाया गया है, इसमें हवा जाने के चांसेस कहीं से भी नहीं है, और इसके बाद दबाने के बाद इनको प्रॉपरली हम टाइम टू टाइम इरिगेशन कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी है वो प्लांट्स की जड़ों के साथ चिपक जाए और जिससे कि प्लांट को किसी तरह का डैमेज ना हो। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में हम आपको दूसरी वेराइटीज़ के प्लांट्स दिखाएंगे जो हम हार्वेस्ट करेंगे कल से। थैंक यू।